तो ये है हमारा व्लॉग 2। व्लॉग 2 में हम कंप्लीट जो टूर करने वाले हैं वो 12 स्पून रेस्टोरेंट में करने वाले हैं, और कम्प्लीटली जो टूर होगा ये फैमिली के साथ होगा। तो ये लास्ट टाइम ये वीडियो लगाना भूल गए थे हम। तो ये है हमारा बर्थडे केक, ये हमने केक कर लिया है अभी। आप लोग भी इंजॉय करिए, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग 2। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है? कहाँ चलना है? किसकी पार्टी? आनो, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? आनो आनो, अरे भाई चलो आ जाओ, फिर आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, आओ भैया आओ, तुम जरूर जाओगे, उनको गोदी में ले लो, पकड़ लो या फिर हल्का हल्का। आइए चलते हैं फैमिली के साथ। तो ये है अपनी इग्निस, तो वो बड़ी ही गंदी हो रखी है अभी तो, बट कोई नहीं, उधर से भाई लोग आ रहे हैं और देते हैं बर्थडे ट्रीट। और ये स्कूल का ओवर व्यू है कंप्लीट। चलिए मैं आ गया हूँ फिलहाल अपनी गाड़ी में, चला लेते हैं बाकी की वीडियो अभी। तो जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई 12 स्पून रेस्टोरेंट जाना है, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो गजब का टेस्ट है। प्लस करावल नगर में पहली बार इतना अच्छा रेस्टोरेंट किसी ने सेटअप डाला है जो कि बहुत गजब का है। तो ये बिट्टू चौधरी भाई ने अपना ये रेस्टोरेंट डाला है, बहुत गजब का एम्बियंस रेस्टोरेंट का, टेस्ट तो लाजवाब है भाई, जब आप जाओगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। प्राइसिंग भी भैया ने इतना अच्छा रखा है कि करावल नगर की लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए रखा है। बाकी जो एम्बियंस है, एम्बियंस में भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है रेस्टोरेंट में। सीपी के रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे, इतना गजब का रेस्टोरेंट सेटअप भैया ने डाला है। गाड़ी देखो कितनी स्लो चलती है यार, ऊपर से आज बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा कंजेशन हो गया है। करावल नगर में गाड़ी चलाना, अराउंड रेस्टोरेंट के पास पहुँच चुके हैं। अभी हम आ गए मेन करावल नगर रोड पर, और आप देख रहे सामने, ये देखो हम ये अभी आए हैं बाकी बेरी स्वीट्स पर, और सामने देखो जो ऑरेंज कलर में लाइट नज़र आ रही है वो 12 स्पून रेस्टोरेंट है अपना, काफ़ी दूर से दिखाई दे जाता है ये। और ये देखो ये अपनी क्रेटा भी आ चुकी है, यानी भाई लोग भी एकदम सही टाइम पर पहुँचे हैं और हम भी एकदम करेक्ट टाइम पर पहुँचे। तो बारिश की वजह से थोड़ा बाहर की विजिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही है। हमने अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर दी, उधर क्रेटा लगी हुई है अपनी, और इधर देख रहे हैं आप अपनी इग्निस है वाइट वाली। एक बार मैं आपको रेस्टोरेंट का बाहर से लुक दिखा देता हूँ कि बाहर क्या रेस्टोरेंट का व्यू है। हेलो अनु, हेलो हैप्पी बर्थडे अंकु, और भाई लड़के ऊपर पहुँचना पड़ता है या डायरेक्ट जाना पड़ता है? पूछ ले, पूछ लेना, पूछ ले, पूछ ले ना, नहीं बता दे, 7 बंदे 8 बंदे। हेलो भैया, भैया किधर जाना है? 8 बंदे 8। अच्छा ठीक है, बिट्टू भाई बताया कि 10 मिनट लगेंगे अभी। यार यहाँ पे वेटिंग का जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा, इसलिए क्योंकि भैया क्वालिटी साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे बेशक बंदे को 10 मिनट वेट करना पड़ जाए। ये सामने अपने बिट्टू भैया हैं, हेलो भैया। तो बाकी ठीक है यार, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, 10 मिनट बेशक वेट कर लो। थैंक यू। पत्र मास्क है भाई, बिना मास्क घूम रहे हैं। थोड़ा इंट्रोड्यूस, माय वाइफ एंड मम्मी एंड डैडी, घर के फेवरेट ट्विंस अनु एंड अव्यानु, ये भी आजकल अपना यूट्यूब का चैनल बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा चैनल ग्रो कर रहे हैं इनका भी। आप भी इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अनु अव्यानु ट्विंस के नाम से इनका व्लॉग है, चैनल है यूट्यूब पर। ये है ललित भाई, और ये देखो भैया के रेस्टोरेंट के डेकोरेशन देख लो, मील्स एंड मेमोरीज आर मेड हियर। तो बड़ा अच्छा एम्बियंस डाला हुआ है भैया ने, बहुत गजब का रेस्टोरेंट है। सुमित भाई अपना सेल्फी लेने में लगे हुए हैं, ललित भाई भी अपना कंटेंट ले रहे हैं इधर अभी, डैडी अपना मास्क ही हटा दिया भाई साहब। चलो कोई नहीं, आनू अभियानों से फुल मस्ती कर रहे हैं अपना बिंदास। आनू अभियानों को ये रेस्टोरेंट ने मतलब लोकेशन याद हो गई है भाई, गाड़ी में से बताए थे हम आ गए, क्योंकि हम इतनी बार आ गए यहाँ पे, हमें खुद ही याद नहीं है कितनी बार ही हम यहाँ पे आ चुके हैं। मम्मी भी फुल इंजॉय करती है, तो मज़ा आता है यार यहाँ पे बिट्टू भैया के रेस्टोरेंट में आके। तो मम्मी हाय बोल रही है, गुड। तो इधर तो लिखा भी अपना हेयर स्टाइल सेट करिए, भाभी जी हैं, हेलो हाय।
तो लिखा भी हाय बोल रही है, दैट्स गुड। तो काफ़ी अच्छा है अभी भैया, जब तक 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम भैया ने दिया है, हम तो एंजॉय करते हैं भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं क्योंकि हमें यहाँ का टेस्ट इतना अच्छा लगता है, तो हम यहीं पर बार बार आते हैं। मेरे जितने भी रिलेटिव्स फ्रेंड्स आते हैं भाई, मैं सबको इधर ही ट्रीट देता हूँ। मास्क हटा दिए और थोड़े बाल वाल सेट कर लो क्योंकि मेरा ही बर्थडे है भाई। तो ये इधर अपने ललित भाई, हेलो, ये भी अपना कंटेंट बना रहे हैं। मास्क पहन लो भाई, कोरोना भी गया नहीं है। इधर से सुमित भाई है अभी अनु खिलाते हुए, यो दैट्स गुड। पापा भी फुल पोस्ट दे रहे हैं आज तो ठीक है, इट्स गुड। जब तक ये सेल्फी वेल्फी का काम कर लेते हैं, वेरी गुड। इधर देखो सुमित भाई तो बिल्कुल शुरू हो गए, ये ले भाई यो, इसका तो इधर भी यो ही चल रहा है। इधर अनु भी पोस्ट दे रही है, अनु को सब लोग, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना। तो काफ़ी सारी फैमिली इधर अपना अपना वेटिंग लेके बैठी हुई है, लेकिन सब इन्जॉय करते हैं यार। देखो एक फैमिली ये इधर बैठी हुई है, ये लोग भी अपना पोज ले जा रहे हैं, ये अपने फैमिली वेट कर रही है इधर। अभी फाइनली अपना नंबर तो शायद आ गया है आपके साथ, तो कुछ भैया हैं। हाँ जी हाँ जी, टोटल कितने हैं? हमारा नंबर 8 बंदे हैं टोटल। 8 ना, 7 बंदे, 7 बंदे। विनीत नाम है, विनीत। तो भाई 4 नंबर टेबल अपने को लौट रही है, अब बिंदास इंजॉय करेंगे और फुल दबा के खाएंगे, फुल इंजॉय करने वाले अपन। तो ये देखो भाई का एम्बियंस देख लो, अंदर से कितना अच्छा है, इन्होंने एम्बियंस दे हुआ है। ये देखो ललित भाई भी अपने लगे पड़े अपना कंटेंट लेने पड़े। तो भाई अपनी टेबल तो फाइनली सेट हो गई है, अब जल्दी जल्दी हम लोगों ने ऑर्डर करना है और बढ़िया बढ़िया खाना मंगाना है। इधर ये भाई साहब अभियान आते हुए, उधर डैडी जी और अनु आते हुए ऊपर, और मम्मी भी आ रही है, सब लोग जल्दी से आ जाइए। तो भाई जल्दी बैठते हो, और पेट में चूहे दौड़ रहे, और देखो पूरा हाउस फुल चल रहा है इधर, सब लोग बैठ चुके हैं। अब भाई जल्दी से मेन्यू डिसाइड करते हैं। मैंने एक यहाँ पर मेन्यू का भी शॉर्ट्स डाला हुआ है यूट्यूब शॉर्ट्स, आप उसको भी चेकआउट कर लेना, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी चेकआउट कर ले। तो भाई अनु का पिज़्ज़ा आ गया है, और बाकी हमने अपने कुछ कुछ स्टार्टर्स मंगा लिए, चाइनीज स्टार्टर मंगाए हमने ज़्यादातर। तो चलो हम इंजॉय करते हैं, और अब बारी आती है गिफ्ट्स को ओपन करने की, तो देख लेते हैं क्या क्या गिफ्ट्स मिल गए भाई। बर्थडे का तो यही एक्साइटमेंट होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन इज अबाउट टू ओवर, और उम्मीद है आपको ये पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पूरे बर्थडे सेलिब्रेशन का जो टूर था वो मैंने अपलोड कर दिया है, आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब वक्त आता है गिफ्ट्स का, तो देख लेते हैं किसने क्या गिफ्ट दिया है। ज़्यादा कुछ खास गिफ्ट तो मुझे नहीं मिल पाए सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ गिफ्ट। ये मेरे छोटे भाई ने जो गिफ्ट दिया है मिंत्रा से, अपने कुछ ऑर्डर किया है, इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले कि उसने क्या प्रोडक्ट इसके अंदर दिया है। यस, तो ये आई थिंक ओके, ये भाई ने एक शर्ट दी है सुमित भाई ने, और दूसरी भी एक शर्ट दी है सुमित भाई ने, जो कि आई थिंक कहीं घूमने जाने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। दोनों ही शर्ट बड़ी फंकी लग रही हैं, एंड इनके कलर्स भी बड़े फंकी हैं, तो चलो कोई नहीं, घूमने प्लान बनाते हैं। सेकेंड गिफ्ट मुझे मेरे ललित भाई ने दिया है और भाभी जी ने दिया है, इसमें उन्होंने मुझे इसमें एक टी शर्ट दी है जो कि बड़ी कूल लग रही है, मैं दिखा देता हूँ इसको। मुझे टी शर्ट रियली बहुत पसंद आई, टी शर्ट बड़ी गजब की थी है, नेक्स्ट आई थिंक उन्होंने शॉपिंग करी है। ये टी शर्ट मेरे भाई ने दी है, ललित भाई ने, एंड ये एक ट्राउज़र दिया है। आई थिंक सब लोगों ने मुझे कपड़े दे डाले हैं, शायद मेरे पास कपड़ों की कुछ ज़्यादा ही कमी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो गिफ्ट दिया है वो मेरी वाइफ ने दिया है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव गिफ्ट है। मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट थोड़ा पसंद नहीं है क्योंकि किसी बंदे का कुछ ज़्यादा खर्चा रहता है। चलिए इसे भी खोल लेते हैं, दिस इज़ एप्पल वॉच। लगता है उसे भी पता चल गया था कि मुझे भी अब इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो कई बार बोल भी रही थी कि भाई तुम कुछ ले लो। वैसे वो एप्पल फ़ोन प्लान कर रही थी, बट मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं यार, मेरे पास फ़ोन ऑलरेडी है, क्यों इतना पैसा वेस्ट किया जाए।
फोन्स वगैरह में, क्योंकि एप्पल तो आए दिन नए नए फ़ोन निकालता रहता है भाई, तो कब तक आप नए नए अपग्रेडेड फ़ोन लेंगे। चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं भाई इसमें। अरे भाई इसकी तो पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, पैकिंग ये, चलो भाई फाइनली इसको हटाते हैं साइड में, इसको खोल लेते हैं भाई। बहुत ही सुपर सॉलिड इसकी पैकिंग दी हुई है उन्होंने, एप्पल वालों ने। तो फाइनली वॉच खुल चुकी है आपके सामने। वॉच को अभी हम रिव्यू भी कर रहे हैं एक तरह से, और गिफ्ट का अनबॉक्सिंग भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं किस टाइप की वॉच है ये। वेरी गुड, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या सामान निकला है मुझे। इसमें है ये एप्पल के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें रीड करने होंगे। अंदर मिला है हमें एक ये आई थिंक ये स्ट्रैप है इसकी, स्ट्रैप वन, और एक स्ट्रैप इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ये अच्छा ये एडिशनल स्ट्रैप आया है इसका साथ में। और जी साथ में आया है इसका यहाँ पर ये आई थिंक चार्जर, ये चार्जर भी निकला है, बहुत अच्छी पैकिंग है ये, वेरी गुड। बाकी इसमें और कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो कम्प्लीटली जो पैकिंग थी वो यही थी इसके अंदर। अब वॉच को देख लेते हैं, तो भाई वॉच भी पूरी एकदम ओके आई है इसके अंदर, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। ये हमने हटाया और इसको भी हटा लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग देते हैं ये लोग एप्पल वाले। तो भाइयों यही बड़ी छुपकू सी वॉच लगी है, बट क्यूट है, एक बार देख लेते हैं। ओहो, तो एक बार इसको टाई भी कर लेते हैं, देखते हैं वॉच कैसी लग रही है। मुझे कमेंट्स करके बताना आप कि आपको मेरे गिफ्ट्स कैसे लगे और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो भाई फाइनली मैंने ये एप्पल वॉच वियर कर ली है, काफ़ी कूल लग रही है। और अब ये ब्लॉगिंग के टाइम पर जब मैं इसको वेयर करूँगा थोड़ा सा पर्सनैलिटी को एनहेंस करेगी भाई। लाइट गई हुई है और थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू।